खरगोन जिले के बिस्तान में एक व्यक्ति को बिस्तान पुलिस ने बड़ी बेरहमी से जमकर पीटा। पता तब चला जब व्यक्ति डीआईजी कार्यालय पहुंचा और अपने जख्मों पर मरहम लगाने के नाम पर ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान पीड़ित तरुण गुप्ता ने शरीर पर चोट के निशान बताकर इस बात का खुलासा किया कि क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार पुलिस की निगरानी में बेरोक-टोक धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस को सूचित करने पर उल्टा मुझ पर केस दर्ज कर दिया। साथ ही रेत माफिया के कहने पर बिस्तान थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा, आरक्षक भरत मिलन यादव, हरिओम मीणा ने मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की। बहरहाल घटना के बाद एक बात तो स्पष्ट हुई है कि प्रशासनिक स्तर पर बंदर बांट करके माफियाओं के हौसले आम जन के जिस्म पर घाव बनकर फूट रहे हैं। ऐसे में आम जन द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि घाव के बाद माफियाओं के हौसले किसी की जान न ले ले। वहीं पुलिस महानिरीक्षक तिलक सिंह ने मामले की जाँच कर कार्रवाई की बात कही है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मेरे को पुलिस थाना उठा के ले गए। 151 की धारा में अच्छी खासी मारपीट करी और रेत माफिया के चक्कर में मारपीट करी। कृष्णा राठौड़ है जिसका नाम, कृष्णा राठौड़ के चक्कर में मेरे को व्यापारी को मारपीट करी थाने पर। किसने मारा? दिनेश कुशवाहा जी और भरत मिलन यादव और हरिओम मीणा। कारण मारने का? मारने का कारण एक दम रात में मैं उधर खेत में जा रहा था तो डंपर को रोक लिया था और रेत से भरा हुआ था तो सब थाने को सूचना कर दी थी। उसके बाद मैं घर जा रहा था, मेरे को रास्ते में तो उठा के मारपीट की मेरे साथ। आप रेत का व्यवसाय करते? नहीं। किसान के तरुण और उनके साथियों द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि थाने के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मारपीट की बात भी बताई जा रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक से बात की जाएगी और किसी गजेटेड अफिसर से इसकी जांच कराई जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर से उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.